अंबेडकर मिशन चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत आ। दर्शकों अज असी खड़े हाँ कपूरथला शहर के पिंड खोजेवाला विखे जिथे कि द ओपन डोर चर्च आ। बहुत ही मानता इस चर्च की आ। इत हजार लखा की गिनती में मसीही प्रेमी पहुंचे ने। अज चल रहा है ईस्टर का दिहाड़ा। क्रिसमस भाईचारे में ईस्टर का दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा से उत्साह मनाया जाता है। अज पास्टर इतने के जो मुख ने हरप्रीत दियोल वह सारे संगत को परमेश्वर के नाते सुनेहा दे रहे हैं। कपूरथला के खोजा धरती अच्छे लखा की गिनती में ईस्टर का दिन मनाया जा रहा है। इस तो पहला गुड फ्राइडे सीगा ते अज ईस्टर है। तो जश्ने निजात प्रोग्राम के नाम नाल यह दिन मनाया जा रहा है। कपूरथला तो गौरव मंडिया की रिपोर्ट। सब तो पहले सारे ईस्टर दी बहुत बहुत मुबारक। ईस्टर प्रभु यीशु मसीह जी दे मुर्दे विचों जी उठन का दिन है और ये पुनरुत्थान के दिन के नाँ से जाणिया जाता। रेजुरेक्शन डे के तौर पर जाणिया जाता क्योंकि हर मनुख जमदा या तो मरदा आ। पर प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती उत्ते तीन दिन मनाए जाते हैं। जन्म का दिन गुड फ्राइडे मरण के तौर पर ते ईस्टर उन्होंने मुर्दिया विचों फिर जी उठन के तौर पर जोड़ा आ वह मनाया जाता। हाँ जी मेरा यही सुनेहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह जी सुनेहा दे के गए हैं सानू इस संसार उत्ते क्योंकि उन्होंने सब तो वड्डा हुक्म दिता आपस में प्रेम कर सगो उन्होंने भी प्रेम कर जो सानू प्रेम नहीं करते। तो मैं सारी संगत में यही सुनेहा दिनी हाँ जिन्हें भी सुन रहे सबू यही सुनेहा है कि प्लीज़ आपस में प्रेम रखो। प्रेम नालों वड्डी भक्ति होर कोई नहीं है। अज सारी दुनिया के प्रभु यीशु मसीह जी के मुर्दों में जी उठन के संबंध में 3.2 अरब लोग अज ईस्टर सैलीब्रेट कर रहे हैं। सो इस तरह खोजेवाल की धरती से जश्न नजात के बैनर के हेठ पिछले 21 दिन तो निरंतर प्रार्थना सभावान चल रही हैं। सो अज ये 21वीं फास्टिंग प्रेयर जी है ईस्टर के शुभ मौके पर प्रभु यीशु मसीह जी के मुर्दियां चो जी उठण के दिन से समाप्त हो जा रही है जिथे हजारों संगत हाजरी भर रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया उत्ते जो इंसान का रिश्ता परमेश्वर के नालों टुट चुका सी अदन के बाग के अंदर उस रिश्ते नूं गंढण दे लई इस दुनिया ते आए। उन्हां दे पवित्र खून के द्वारा इंसान का मिलाप परमेश्वर दे नाल होया। और पवित्र बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे और जिन्नी भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी आ इस गल दे उत्ते विश्वास करदी आ और सारे जगत नूं असीं इस शुभ मौके ते मुबारकबाद भेजदे आ। गॉड ब्लेस यू। असल में प्रभु यीशु मसीह के मूँह के जो शब्द है उन्होंने बहुत वड्डी पावर है और वह शब्द बाइबल के दर्ज है और जो उस वचन को पढ़िया जाता है तो लोगों को प्यार मिलता आनंद मिलती है शांति मिलती है वो रिलैक्स फील करते हैं और परमेश्वर का वचन सरवण करने वास्ते इतने आते हैं। ओपन डोर चर्च हमेशा भाईचारक साझ के लिए पहलकदमी रखता तो अज भी रखता तो सारे भाईचारे मिल के विचरता है। सर कुछ अपने असल च कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य शुरू करते हैं उन्होंने सुभाविक है पवित्र स्थानों के उत्ते आना और एक प्रीस्ट की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कोई प्रेयर कराने वास्ते आए उन्होंने वास्ते प्रार्थना की जाए। किसी राजनीतिक लोगों के लिए प्रार्थना करने के जो प्रीस्ट है वो राजनीतिक नहीं बन जाता। सो इस करके साडा फर्ज है पहल के आधार से प्रेयर करना और ये असं करते रहेंगे कोई भी आने।